हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मेरा सालगिरह है, तो मैं शंकर जी का मंदिर में आई हूँ। बच्चों तो दिखा रही हूँ, देखिए भीतर में अलाउड नहीं है वीडियो, इसीलिए मैं बाहर का ही दिखा रही हूँ। गेट और दिखा रही हूँ, तो दर्शन हो गया, अब सीन से उतर रही हूँ। ये चारों तरफ को दिखा रहे हैं नजारा। ये मंदिर का दिखा रही हूँ, ये मंदिर का फ्रंट साइड है तो दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ का गार्डन, और पास में आ रही हूँ कहाँ पे दोस्तों, तो देखिए मैं पास में आ गई हूँ ब्रह्मपुत्र के पास, तो अभी दिखाऊंगी आपको। ये दोस्तों दिखा रही हूँ दूर से, ये देखिए पानी जहाज, अभी पानी पूरा सुखा गया है दोस्तों, तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे से जाके सामने से दिखाऊं आपको। तो चलिए दोस्तों मैं नीचे चल रही हूँ। चलिए ये देखिए कितना खारा सीढ़ी है, तो अब मैं उतर रही हूँ दोस्तों नीचे। नीचे उतर रही हूँ,
तो नीचे उतर गई हूँ। देखिए ये बालू का रेत, चल रही हूँ पास में, सामने से दिखाऊंगी आपको ब्रह्मपुत्र, और जहाज भी लगा हुआ है, और इधर मेरे खड़े हैं। पूरी ब्रह्मपुत्र के भी नज़ारा दिखा रही हूँ। वो देखिए ब्रिज बन रहा है, ब्रह्मपुत्र से बनेगा ब्रिज। तो अभी ड्रोन नहीं, क्या बोला जाता है उसको, बड़ा वाला जीसीपी लगा हुआ है देखिए। तो अभी रास्ता का काम शुरू हो रहा है, तो मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको। और जो पास में जो पहाड़ जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहाँ उमानंद का मंदिर है। ये जहाज जो है ना, ये जहाज से उस पर उमानंद जाया जाता है। तो देखिए वो जहाज एक जा भी रही है। हम लोग भी गए हैं उमानंद, पर आज नहीं जाऊंगी, उतना टाइम नहीं है दोस्तों। तो चलिए मैं आगे से दिखा रही हूँ। यही में छठ पूजा होता है दोस्तों, तो पहले हम लोग यहाँ पर भी आते थे छठ पूजा के लिए, तो अभी तो पास में ही जाती हूँ। ये देखिए पूरा सामने आ गए, ये देखिए, ये जहाज पर, अभी जहाज पर मैं चढ़ गई, और यहाँ से आपको दिखाऊंगी ब्रह्मपुत्र का पूरी नज़ारा, बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। ये देखिए अभी धूप है, सुबह का 9 बज चुका है दोस्तों, हमने घर से 7:30 बजे निकला था। तो ये देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिए, और उधर भी फेरी वाला नाव लगा हुआ है, और देखिए बहुत आदमी है उस पर जाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने मंदिर आया था, तो शंकर जी का दर्शन अच्छे से हो गया, तो अभी ब्रह्मपुत्र का पास में आई हूँ जहाज पर, दिखा रही हूँ आपको ब्रह्मपुत्र को। जब थोड़ी देर में अब यहाँ से निकलूँगी दोस्तों, तो कैसा लगा यहाँ का ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी का, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब अगर आना है तो आइए, कामाख्या जी मंदिर है यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध है, तो आके घूम के जाइए दोस्तों। जो दोस्तों सोच रहे होंगे कि कामाख्या जी जाएं कैसे, तो कामाख्या जी आइए ज़रूर घूमिए। ये देखिए मैं बोली हूँ आने के लिए, तो नहीं, वो पास में दूर में ही खड़े हैं। तो बाय बाय दोस्तों। तो अभी रख रही हूँ वीडियो, ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो।